हेलो दोस्तों, आज हम एक ऑटोकैड फाइल को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। और मैं हूं हेमंत चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैड ग्रो के अंदर। तो अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आपको जो ड्राइंग दिख रही है, हम इसे ही पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये चलिए तो शुरू करते हैं, इस ऑटोकैड फाइल को हम पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेआउट वन पे आना है। आप जैसे लेआउट वन पे क्लिक करोगे ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने इस पूरे इमेज को आपने डिलीट कर देना है। आपने डिलीट कर दिया, अब आप दोबारा लेआउट वन पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, पेज सेटअप मैनेजर के अंदर जाओगे। आप जैसे पेज सेटअप मैनेजर पे क्लिक करोगे ये आइकन खुल जाएगा आपका। यहाँ पे आपको करना है मॉडिफाई। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको करना है DWG to PDF। DWG जो है ये है आपका ऑटोकैड का एक्सटेंशन फाइल है। आप इस ऑटोकैड फाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको लेना है जो भी आपका प्रिंटर है। सपोज किसी, ज़्यादातर हम लोग के पास A4 साइज़ का प्रिंटर होता है, तो अगर हमें A4 साइज़ के अंदर प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पर सर्च करोगे ISO A4। तो यहाँ पे आपको ISO A4 के दो दिख रहे हैं, तो इसमें आप अगर ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो ये आपको ये लैंडस्केप मोड पर आपको प्रिंट करके देगा, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक प्रिंट करके देगा। तो चलिए हम पोर्ट्रेट मोड पर निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो और ऑप्शन है जैसे लेआउट, प्लॉट स्केल, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी पड़ेगी, जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता नहीं पाऊंगा। अभी बस मैं आपको प्रिंट करना सिखा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे हम एक ऑटोकैड फाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर कर देना है ओके और क्लोज। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है जो कि है VPorts, VPorts। जैसे आप VPorts टाइप करके एंटर करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको करना है सिंगल पे क्लिक। ये बाकी भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम एक स्टेप लेके चल रहे हैं कि हमें सिर्फ एक 2D फाइल को कन्वर्ट करनी है PDF के अंदर। आपने सिंगल पे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, और यहाँ पे आप कर दो फिट। जैसे आप फिट करोगे तो ये जो आपकी PDF, जो आपकी ऑटोकैड फाइल थी वो PDF के अंदर कुछ इस तरह दिखेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस प्लॉट पर जाना है। अगर आप प्रीव्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो किस तरह PDF हुई है। आप अगर प्रीव्यू करके देख लो, तो प्रीव्यू करोगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि इस तरह के प्रिंट निकलेगा आपका। और अगर आप सेव कर लोगे, अगर आप ओके कर दोगे तो ये आपको ये सेव करने को बोलेगा। जैसे ही जहाँ भी सेव करोगे आपको वो चीज़ सेव हो जाएगी। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, तो डेस्कटॉप पर सेव करते आपकी ये देखो प्रिंट आ गई। तो हमने एक ऑटोकैड फाइल को हमने PDF के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को दूर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।